कोनिच्चिवा। यो एनिमल लवर्स, तो सबसे पहले सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। अब ये साल हर साल की तरह अच्छा नहीं गया, बट स्टिल एंजॉय करो डे को। सो जैसे मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि मैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट जुआन टाइप फ्रूट्स पे वीडियो लाऊंगा, तो ये रहा वीडियो। एंड जुआन फ्रूट का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो जुआन फ्रूट्स उन डेविल फ्रूट्स को बोलते हैं जिसे कंज्यूम करने के बाद यूज़र की बॉडी एक पर्टिकुलर एनिमल में चेंज हो सकती है। जुआन फ्रूट यूजर्स क्लोज कॉम्बैट फाइट्स में बहुत स्ट्रांग होते हैं एंड बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट कार्निवोरस जुआन, जिसमें यूज़र अपनी बॉडी को एक नॉर्मल एनिमल लाइक लॉयर, टाइगर, वुल्फ, डॉग ऐसे में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सेकेंड एंशिएंट जुआन, जिसमें यूज़र अपनी बॉडी को एक्सटिंक्ट एनिमल्स लाइक डायनासोर, सेबर टूथेड टाइगर ऐसे में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एंड लास्ट मिथिकल जुआन, जो कि एक लोगिया फ्रूट से भी रेयर होता है, जिसमें यूज़र अपनी बॉडी को एक मिथिकल क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये लिस्ट ऑब्वियसली ऑफिशियल नहीं है, तो जज मत करना। एंड तो चलो वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। नंबर 10, हेबे हेबे नोमी मॉडल यामाटानो ओरोची, एक स्नेक फ्रूट मॉडल यामाटानो ओरोची। इस फ्रूट को ओरोची ने खाया था एंड दिस फ्रूट इज़ अ मिथिकल जुआन फ्रूट। ये सबसे रेयर फ्रूट्स की कैटेगरी में आता है। इस फ्रूट की हेल्प से ओरोची एक 8 हेड स्नेक में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, विच इज़ वन ऑफ द मिथिकल क्रिएचर्स। आई डोंट नो आपके माइंड में क्लिक किया कि नहीं, बट हैवी नोमी फ्रूट को हानकॉक की दोनों बहनों ने भी खाया था एंड ये फ्रूट उसी का मिथिकल मॉडल है। अब मैं भी कुछ लोग को नहीं पता होगा तो मैं बता दूँ कि जितने भी मिथिकल जुआन फ्रूट्स होते हैं, उन फ्रूट्स के यूज़र एक स्पेशल एबिलिटी यूज़ कर सकते हैं जो कि कोई और यूज़ नहीं कर सकता। एंड इस फ्रूट की वो स्पेशल एबिलिटी अभी तक रिवील नहीं हुई है, दैट्स वाई लिस्ट भी इतना नीचे है। इन टर्म्स ऑफ पावर सारे 8 हेड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ईजिली हैवी ऑब्जेक्ट्स को भी उठा सकते हैं और पीपल को भी, लाइक ओरोची ने अपने मेन हेड से कोमुरासाकी को ईजिली अपने मुँह से उठा दिया था। लिस्ट में आगे और भी स्ट्रॉन्ग फ्रूट्स हैं, तो आगे देखते हैं। नंबर 9, रियोरियोनोमी मॉडल एलोसोरिस, एके ड्रैगन फ्रूट मॉडल एलोसोरिस। ये एक एंशिएंट जुआन टाइप डेविल फ्रूट है एंड ये फर्स्ट एंशिएंट जुआन फ्रूट था जो एनिमे एंड मांगा में इंट्रोड्यूस हुआ था। इस फ्रूट को एक्स ड्रेक ने खाया है एंड इसके टोटल 3 फॉर्म्स हैं। सबसे पहले उसका नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म, सेकेंड हाइब्रिड फॉर्म जिसमें उसका साइज कंपैरेटिवली बहुत बढ़ जाता है, एंड लास्ट फुल एलोसोरिस फॉर्म जिसमें ये एक जायंट डायनासोर बन जाता है। इस फ्रूट का यूज़र बाइट करते टाइम आर्नर में ठाकी यूज़ कर सकता है एंड इसकी टेल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये फ्रूट एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोज कॉम्बैट एबिलिटी प्रोवाइड करती है एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्रूट एक्स ड्रेक एक सुपरनोवा बना एंड ओवरऑल ये बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रूट है। आई कैन टेल अबाउट योर, बट इस फ्रूट के मॉडल जो कि एलोसोरिस, उसको मैं पहले टीरेक्स समझता था। इस फ्रूट की हेल्प से यूज़र इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो एक पैसिफिस्ट को भी हाई डैमेज ईजिली दे सकता है एंड भले ही फुल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यूज़र की बॉडी बहुत ज़्यादा साइज में बढ़ जाती है, बट उसकी एजिलिटी स्पीड कम नहीं होता। दिस मॉडल प्रोवाइड्स अ हाई स्पीड। लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, इनुइनु नोमी मॉडल क्यूबिनो कात्सुने, एके डॉग डॉग फ्रूट मॉडल नाइन टेल्ड फॉक्स। हाँ जी, आपने सही सुना, नाइन टेल्स। नारुतो फैंस को ये फ्रूट एज अ रेफरेंस लग सकता है। इस फ्रूट को कैटरीना डेवॉन ने खाया था एंड दिस फ्रूट इज़ अ मिथिकल जुआन फ्रूट बिकॉज नाइन टेल्स इज़ अ मिथिकल क्रिएचर। इस फ्रूट की हेल्प से यूज़र नाइन टेल फॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, बट इस नाइन टेल्स की पावर नारुतो वाले से बहुत डिफरेंट है। जैसे मैं आपको बताया था कि हर मिथिकल जुआन फ्रूट की एक स्पेशल एबिलिटी होती है, तो इस फ्रूट की एबिलिटी ये है कि ये फ्रूट की हेल्प से यूज़र किसी भी दूसरे पर्सन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। यूज़र अपना शक्ल, आवाज़, सब कुछ चेंज कर सकता है। ये फ्रूट की पावर्स बॉनक्ले की माने नोमी टाइप ही है, बट डिफरेंस ये है कि इस फ्रूट के पावर्स थोड़े सुपीरियर है बिकॉज इसमें यूज़र के क्लोथ्स भी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एंड यूज़र एकदम एग्जैक्ट कॉपी लगने लगता है। इस फ्रूट की हेल्प से कैटरीना डेवॉन ने गेको मोरिया को ट्रिक किया था और उसको बहुत बड़ा फुद्दू बनाया था। ये फ्रूट इनुइनु नोमी का एक मॉडल है एंड जिसको याद नहीं उनको बता दूँ कि इनुइनु नोमी एल्बास्ता के मिस्टर 4 के गन में यूज्ड फ्रूट था। इससे मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे फुदू फ्रूट्स के भी ऐसे स्ट्रॉन्ग मिथिकल जुआन मॉडल्स हैं। लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, रियोरियोनोमी मॉडल ब्रैचियोसोरस, एके ड्रैगन फ्रूट मॉडल ब्रैचियोसोरस। इस फ्रूट को क्वीन ने खाया था एंड ये एक एंशिएंट जुआन टाइप डेविल फ्रूट है एंड बाकी ड्रैगन फ्रूट के मॉडल्स टाइप। इस फ्रूट की हेल्प से भी यूज़र एक ब्रैचियोसोरस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है एंड ऑब्वियसली उसके हाइब्रिड फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ये फ्रूट का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जायंट है। क्वीन अपने फुल ट्रांसफॉर्मेशन में बिग मॉम से भी बड़ा हो जाते हैं, जो कि खुद 8 मीटर्स की है। वो लगभग एक जायंट के साइज़ का बन जाता है एंड ये जायंट बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है
एंड इसकी गर्दन बहुत लंबी है और इसी लंबी गर्दन की हेल्प से यूज़र बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक्स कर सकता है। क्वीन इसी फ्रूट की वजह से काइरो के टॉप 3 कमांडर्स में से एक है। लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, ज़ोज़ोनोमी मॉडल मैमथ, AKA एलिफेंट फ्रूट मॉडल मैमथ। इस फ्रूट को जैक ने खाया है एंड जैक इज़ एबल टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ हाइब्रिड एंड फुल ग्रोन मैमथ। ये एक एंशिएंट ज़ोआन टाइप डल फ्रूट है एंड पर्सनली ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इस फ्रूट की हेल्प से जैक ने मिंग ट्राइब्स के सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये एलिफेंट फ्रूट का मॉडल है एंड अगर आपको याद नहीं तो मैं बता दूं कि एनियस लॉबी आर्क में स्पैंडम के स्वॉर्ड ने ज़ोज़ोनोमी फ्रूट खाया था। इस फ्रूट की हेल्प से यूज़र एक जायंट मैमथ बन सकता है जो कि एक नॉर्मल एलिफेंट से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है एंड दैट्स वाई ये फ्रूट के यूज़र जब भी चलता है तब वो लिटरली अपने पैरों से ज़मीन पर डीप निशान बना देता है। बट देर इज़ अ कॉन ऑफ दिस फ्रूट एंड दैट इज़ जब यूज़र अपने फुल ट्रांसफॉर्मेशन में होता है तब वो बहुत स्लो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स साइज एंड वेट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक ओवर पावर्ड फ्रूट है। इसके टस्क बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड बहुत बड़े होते हैं एंड शार्प भी होते हैं एंड यूज़र एज अ मेन वेपन अपने टस्क को यूज़ कर सकता है। चलो अब लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, रियोरिनोमी मॉडल स्पाइनोसॉरस, AKA ड्रैगन फ्रूट मॉडल स्पाइनोसॉरस। ये एक एंशियंट ज़ोआन टाइप फ्रूट है एंड इस फ्रूट का यूज़र है पेज 1। एंड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ ये फ्रूट क्वीन और ड्रेक के फ्रूट को भी सरपास करता है। ये फ्रूट की हेल्प से यूज़र स्पाइनोसॉरस एंड उसके हाइब्रिड में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। देर इज़ अ फैक्ट एंड दैट इज़ स्पाइनोसॉरस वॉज इवन स्ट्रॉन्गर देन टीरेक्स एंड दैट इज़ द रीज़न ये बाकी ड्रैगन फ्रूट के ऊपर रैंक किया। इस फ्रूट की हेल्प से पेज 1 इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि उसने अपना थोड़ा सा हाथ लगा के सांची को एकदम दूर भेज दिया था। इस फ्रूट का फुल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। इसका टेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज वेल एज जॉस एंड ओवरऑल ये स्ट्रॉन्ग फ्रूट है। लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, रियोरिनोमी मॉडल टेरानोडॉन, AKA ड्रैगन फ्रूट मॉडल टेरानोडॉन। इस फ्रूट को किंग ने खाया था एंड आई थिंक ये फ्रूट अभी तक के सारे एंशिएंट ज़ोआन फ्रूट्स को सरपास करता है। एंड द मेन रीज़न बिहाइंड दिस इज़ ये फ्रूट की हेल्प से यूज़र फ्लाई कर सकता है। इस फ्रूट को किंग ने खाया है जो कि काइडो का स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है एंड एज फार एज आई नो दिस फ्रूट इज़ अ बीस्ट। इस फ्रूट की एजिलिटी बहुत ज़्यादा है। इस फ्रूट की हेल्प से यूज़र डिफरेंट फ्लाइंग अटैक्स कर सकता है एज वेल एज लैंड अटैक्स भी कर सकता है। किंग ने तो पूरे बिग मॉम के शिप को वाटरफॉल से गिरा दिया था। एंशिएंट ज़ोआन फ्रूट्स में ये फ्रूट मेरा फेवरेट है। इस फ्रूट का फुल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है एंड स्पीड भी बहुत है। ओवरऑल ये एक एक्सट्रीम पावरफुल विथ हाई स्पीड प्रोवाइडिंग डेविल फ्रूट है। आई लिटरली लव दिस फ्रूट। इसका यूज़र अपना बीक एंड क्लॉज को एज अ वेपन यूज़ कर सकता है एंड किंग को तो स्वॉर्ड भी चलाना आता है जो कि और ज़बरदस्त है। लिस्ट में नेक्स्ट डेविल फ्रूट देखते हैं। नंबर 3, हितोहितोनोमी मॉडल दायबुत्सु, AKA ह्यूमन फ्रूट मॉडल बुद्धा। ये एक मिथिकल ज़ोआन फ्रूट है एंड इसको हमारे एक्स फ्लीट एडमिरल सेंगोकू ने खाया था। ये फ्रूट की हेल्प से सेंगोकू एक गोल्डन बुद्धा में ट्रांसफॉर्म हो सकता है एंड इस मिथिकल ज़ोआन फ्रूट की स्पेशल एबिलिटी ये है कि ये शॉकवेव्स प्रोड्यूस कर सकता है। सेंगोकू ने अपने शॉकवेव यूज़ करके पूरे ब्लैकबियर्ड पायरेट्स को एक साथ बहुत गंदा डैमेज दिया था एंड इवन लूफी को एक जोर से पंच दिया था। अगर लूफी उस टाइम अपने बलून वाले मोड में नहीं होता तो लूफी का मरना पक्का था। ये ह्यूमन फ्रूट का एक मॉडल है। इफ़ यू डोंट रिमेंबर देन आई विल टेल यू कि ह्यूमन फ्रूट को चॉपर ने खाया है। ये फ्रूट बाकी ज़ोआन टाइप के टाइपी यूज़र की फिजिकल स्ट्रेंथ इन्हेंस करता है बट इस फ्रूट की हेल्प से यूज़र बहुत फास्ट भी हो जाता है एंड उसका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा होता है। आई लाइक दिस फ्रूट एंड ये फ्रूट ईजिली टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट ज़ोआन फ्रूट में आता है। चलो अब लिस्ट में बढ़ते हैं। नंबर 2, तोरिनोमी मॉडल फिनिक्स, AKA बर्ड फ्रूट मॉडल फिनिक्स। ये फ्रूट मेरा अभी तक का फेवरेट डेविल फ्रूट है। ये एक मिथिकल ज़ोआन फ्रूट है एंड फर्स्ट मिथिकल ज़ोआन फ्रूट जो इंट्रोड्यूस हुआ था। इस फ्रूट को मार्को ने खाया था एंड आई लिटरली लव हिम बिकॉज ऑफ दिस फ्रूट। ये फ्रूट तोरिनोमी का एक मॉडल है और हमने तोरिनोमी के और भी मॉडल देखे हैं लाइक एल्बास्ता में फैल्कन वाला एंड रिपोर्टर मॉर्गन। लेट्स कम बैक टू फिनिक्स मॉडल। इस फ्रूट की हेल्प से यूज़र एक फिनिक्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है एंड यूज़र की बॉडी पूरी ब्लू फ्लेम्स की बन जाती है। मार्को विलिंगली एक पर्टिकुलर एरिया को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है एंड द स्पेशल एबिलिटी ऑफ दिस मिथिकल ज़ोआन इज़ इसके लाइट ब्लू फ्लेम्स जो कि हीलिंग फ्लेम्स हैं। मार्को कैन हील पीपल बाय यूजिंग दिस फ्लेम्स एंड इसी ब्लू फ्लेम्स की वजह से मार्को पे कोई भी अटैक तुरंत हील हो जाता है एंड दैट इज़ द रीज़न जब इस फ्रूट के यूज़र की बॉडी पे कोई अटैक करता है
तो वो ऐसा लगता है जैसे अटैक यूज़र की बॉडी के पार जा रहा है, जस्ट लाइक लोगिया फ्रूट्स। एंड इसलिए किजारो ने भी इसे एक लोगिया प्लस पैरामीसा प्लस जोआन मिक्स फ्रूट कहा था। इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ ये फ्रूट यूज़र की बॉडी की स्ट्रेंथ इतना बूस्ट करता है कि यूज़र टू एंशियंट जोआन यूजर्स को ईजिली हरा दे। इस फ्रूट की एबिलिटीज़ की वजह से मार्को ने सारे एडमिरल से 1v1 लड़ा था एंड किसी से हारा नहीं था, सबको टक्कर का फाइट दिया था। एंड यार इसका ट्रांसफॉर्मेशन इतना सुंदर है, बड़ा सा ब्लू कलर का फिनिक्स। आई एम श्योर मैक्सिमम लोगों का ये फेवरेट डेविल फ्रूट होगा। चलो अब नंबर वन स्ट्रॉन्गेस्ट जोआन फ्रूट को देखते हैं। नंबर वन उओ नोमी AKA फिश फ्रूट। ये तो सबने गेस कर ही लिया होगा, ये एक मिथिकल जोआन फ्रूट है एंड इस फ्रूट को करंट हाईएस्ट बाउंटी वाला पायरेट एंड योंको काइडो ने खाया था। अब मांगा या एनिमे में ये तो रिवील नहीं किया है, बट आई थिंक लाइक अदर मिथिकल जोआंस ये काइडो वाला फ्रूट भी फिश फ्रूट का एक मॉडल होगा, मे बी लाइक ईस्टर्न ड्रैगन, बिकॉज इसके ट्रांसफॉर्मेशन एक ईस्टर्न ड्रैगन जैसा दिखता है। इन सिंपल वर्ड्स, शेनरॉन इन ब्लू कलर। काइडो को स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर भी बोलते हैं एंड दैट इज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस डेविल फ्रूट। इट इज़ रिसेंटली रिवील्ड कि काइडो को ये फ्रूट बिग मॉम ने दिया था ओल्ड वैली इंसिडेंट के बाद, एंड आफ्टर दैट काइडो एमर्ज्ड एज अ योंको। इस डेविल फ्रूट का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड इसकी स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड है। विदाउट एडवांस्ड आर्नामेंट हाकी इस फ्रूट के यूज़र को हर्ट करना इम्पॉसिबल है। इस मिथिकल जोआन फ्रूट की स्पेशल एबिलिटी ये है कि वाइल इन फुल ट्रांसफॉर्मेशन यूज़र बहुत बड़े और स्ट्रॉन्ग फायरबॉल्स अपने मुंह से शूट कर सकता है, एंड ये कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर डेविल फ्रूट है। एंड दस दिस एंड्स विद द कंक्लूजन, वो नोमी स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट है। सो गाइस दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो टॉप 10 पैरामीसा पे है, और पैरामीसा तो इतने सारा है मुश्किल होगा टॉप 10 सेलेक्ट करना, बट वीडियो जल्द आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, सायोनारा।